This exercise is aimed at making our troops jointly perform tactical operations and build up jointness amongst them and integrity while operating at tactical level. And these operations are carried out in a semi-urban environment under a UN mandate. I'll take this opportunity on behalf of Indian Army and South Western Command. I welcome Lieutenant General Togashi Yuichi, Commanding General Eastern Army, Japanese Ground Self-Defense Forces, to Mahajan Ranges and to witness this exercise. You would have seen the activities carried out today, and it was very impressive part of the tactical drills carried out by both the troops of both countries, and you saw the kind of integration they have achieved and the kind of joint manship they achieved within a week only. They have been training together only for a week now. मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा मैडम धरना गार्जियन? मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और बहुत ही भिन्न रहा, क्योंकि अच्छा लगा मुझे कि पहली बार विदेशी आर्मी के साथ इंटरेक्ट करके मुझे जानने मिला कि उनके देश में क्या चीज़ें फॉलो होती है मेडिकल से रिलेटेड, और हमने शेयर किया कि हमारे देश में क्या चीज़ें फॉलो होती है, तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस इंट्रैक्शन, बहुत अच्छा इंट्रैक्शन था। मैडम मैं एक बात जानना चाहूँगी, हाँ जी, बाहर के देश के लोग आए हैं, कई दिन यहाँ पर रुके हैं, हाँ जी, तो वहाँ के देशों की बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ की चीज़ें बहुत अलग अलग है, जैसे खान पान अलग हो जाता है, हाँ जी, फिर उसके बाद में मौसम अलग हो जाता है, हाँ जी, तो उस तरह की कोई चीज़ें आपको अंतर लगा जो देखने मिला? मैम हम लोगों को इनका आई थिंक डेजर्ट का इंट्रैक्शन पहली बार हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए भी काफ़ी डिफरेंट वेदर था, लेकिन हमारी मेडिकल टीम यहाँ पे हमेशा ही तत्पर थी। छोटी मोटी बीमारियाँ या छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उसके अलावा लकीली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान की, बाकी हमने हर तरीके से उनको कम्फर्टेबल कराने की बिल्कुल बिल्कुल चेष्टा करी, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, ट्रेनिंग में हो या अन्य कोई एक्टिविटी। उनको यहाँ का यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा मैडम? आपने देखा होगा 14 दिन आप लोगों के साथ रहे, तो उन्हें यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगा? उन्हें हम लोगों से बात करने में जो हमारी चीज़ें जिस तरह से हम इनको ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए और इस तरह से ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की है जो वो लोग समझ पाएँ, जो उनको ज्ञात हो सके या उनको कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से प्रेरित देने का उनको प्रयास किया। क्या भाषा बाधा आई मैडम? क्योंकि कई जगह पर हमने देखा ट्रांसलेटर्स की नीड पड़ रही है, हाँ, तो क्या भाषा की बाधा हुई या भाषा से कोई परिवर्तन नहीं आया? नहीं मैम ऐसा तो नहीं, मैं कहूँगी कि भाषा की बाधा नहीं हुई, पर वो इनिशियली 2-3 दिन की झिझक थी, उसके बाद हमने किसी तरह से अपने हाव भावों से, कुछ अंग्रेज़ी के वर्ड से और ट्रांसलेटर की मदद से हम लोग अपनी और उनकी भाषा समझने में थोड़े थोड़े से तो कामयाब हो ही गए थे। काफ़ी चीज़ें हमने भी सीखी है इनमें से, काफ़ी ट्रिक्स ने हमारी भाषा भी हल्की फुल्की, खाना खाओ, इधर आओ, ये सारी बातें सीख लिया है। जी हाँ जी, तो आपका एक्सपीरियंस ले देखे तो बहुत ही शानदार रहा। जी मैम बहुत ही शानदार। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं मैडम? मैम मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। आपके लिए खुद के लिए डेजर्ट कैसा रहा, क्योंकि शायद आप डेजर्ट में कुछ पहली बार ही आए हैं या पहले से आते रहे हैं? नहीं मैम मैं डेजर्ट में पहले भी आ चुकी हूँ, और मैंने एक बार अपनी स्कूलिंग भी जैसलमेर से करी है, 5-6 साल में जैसलमेर रही हूँ, तो मेरे लिए डेजर्ट इज नॉट ए न्यू एनवायरमेंट, वी आर यूज्ड टू डेजर्ट। आपको क्या लगता है मैडम, इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होते हैं इससे दोनों देशों के बीच में जो प्रेम है, जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो रणनीतियाँ हम नहीं सीखते हैं, और इससे क्या परिवर्तन हम देखते हैं कि और हमें मिलेंगे? मैम ऑब्वियसली क्योंकि आगे इतना बड़ा हमारा वो है, कभी भी हमें इनके साथ ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जितना हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, जितना एक दूसरे को कल्चर पहचानेंगे, हमारे वहाँ क्या फॉलो होता है, उनके वहाँ क्या फॉलो होता है, हमारे साथ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे को कोई भी चीज़ करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो जॉइंट एक्सरसाइज का यही एक मोटिव रहता है कि दो देश मिल करके अपने विचारों का, अपनी तकनीकियों का आदान प्रदान करें, पूरी जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान हो सके। थैंक यू सो मच मैम। जय मैम। Sir, have